बस की होगी भाई, मैं मना कर दूंगा। इस तरह है विधायक जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप विधायक हो, हम तो कहें 10 बार बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि आज के समय में जो किसानों को, आड़तियों को, सारी मसले सब कुछ खत्म होने के कगार पे है। मेरा इस्तीफा था कि मैं ये कानून बदले। नहीं नहीं, मेरी बात मेरा इस्तीफा ले रहा, पैर काट के लिख ले, मेरी बात कर दूंगा। अब सारे हमारी बात सुनो ना। पर मेरा सरकार में मैं जनप्रतिनिधि हूँ। सुनो, पहले मैं समझाता हूँ आपको, चीज कैसे चलती है, कानून कैसे चले, देश कैसे चले, प्रदेश कैसे। हमारी भी सुनो जी, एक बार मेरी सुन देना, फिर तेरी सुन लूंगा। मैं तो मैंने विधायक बना दिया, सरकार मुख्यमंत्री और मंत्री से चलती है। एक बात मानते हो, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हल्के से रिलेटेड समस्याएं हैं, मेरा काम है अधिकारियों तक पहुंचाना, अधिकारी उसका निवारण करेंगे। उस समस्या को अधिकारियों के साथ साथ सरकार के सामने, मुखिया के सामने, जैसे हम जिस पार्टी से डिप्टी सीएम दूसरे के सामने रख रहे हैं, एक कलरक वाला काम विधायक का होता है, मोटे मोटे डाक वाला। बिल्कुल, वो मैंने पहले भी करे, आज भी करूँ, आगे भी करूंगा जब तक अपना मौका नहीं। जग्गी जी, आज रही बात है, पूरी सरकार में सहयोग है जेजेपी पार्टी का। तो हम लोगों ने कहा, मैंने टिकट ले ली, चुनाव लड़े, तो हमने वोट देकर मैं विधायक बना दिया, तारा बना जड़ा हूँ। आगे भी तो हमने बनाना है, तो हमने टाना है, वो भी तारा का काम है, मेरा काम है। या तो पूरा का पूरा पार्टी समर्थन वापिस ले, मैंने कल ने बिठाया जाओ, औरतें भी खराब कर दो, औरतें भी खराब कर दो। अगर तब ने लग गया है मेरा अंत है, ये कानून बदला जा सके, मैं तो आज भी तरह लग गया। मानो जी, मानू पूर्ण भरोसा है, अगर आप इस्तीफा दे के किसान के बीच बैठ गए, सारी जे जी इस्तीफा दे दी, मन पूर्ण भरोसा जी, आप इस्तीफा दो जी, हमें आपके जिंदाबाद के नारे लावांगे बाहर बाहर। पूरी पार्टी समर्थन ले वापिस, चलेंगे मैं भी चलू तेरा गल्ला। मेरे साथ चलो, तारी मीटिंग होगी, भाई जित होगी, दुष्यंत के सामने रखते सारी बात, भाई मेरा हल्का मेरा इस्तीफा चाहिए, मैं देना चाहूँ। आप लोगों की कमेटी बना लो, 11 आदमी चलो मेरे गले, वो कुट्टी पिट्टी तो आंदोलन में चलते रहे, इसको नहीं लेना चाहिए। आंदोलन आंदोलन होंगे, सारे काम चलेंगे, आगे भी चलेंगे, पहले भी चलते आए हैं। विधायक जी, ऐसी बात है, हमने तो आपको कानून का तरीका के लिए बिल्कुल चले आ, आपको 6 तारीख को, हम 2 तारीख को आपका अल्टीमेटम दिया थी, भी आप किसान के साथ खड़े हो, जो आपका स्वागत है। दूसरी बात, हम सारे किसान खुद चल के सरसा गए, बीच में खड़े जब तुमने सरकार का विधायक मुझे बना के सरकार का सहयोग दे रखे, तो सरकार का विधायक हूँ मैं, किसान होने के नाते वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ, किसानों का आपने बनाया, आप अपनी मांग लेके मेरे अगले चल लो, 11 आदमी कमेटी बना के मुख्यमंत्री के लिए बिठाऊंगा, डिप्टी सीएम के लिए बिठाऊंगा, और तारी संतुष्टि सड़का में कौन सुनेगा, सड़का में कोई नहीं सुनता, सुनवाई तो चंडीगढ़ की होगी। सरसा के कांडो के मतलब चंडीगढ़ जाने लग रहे हो, जहाँ सुनवाई होनी है, अब 11
अब राम से सुनो, 11 आदमी की कमेटी बना लो आप लोग। मैंने बना के सुनो, मैं 3 दिन चंडीगढ़, सुनो मेरी बात, सुनो राम से जी, 3 दिन में चंडीगढ़ हूँ। आप 11 आदमी कमेटी बना लो, आप अपनी साधन में आओ, मैं साधन दे दूंगा, बस चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़े चाहिए, सब सारे आ जाओ, घोड़ा मैं रखूंगा तुमने, मेरे पे तो विश्वास करोगे, किसी और पर नहीं करोगे। तो विधायक जी, ये बातों करने के लिए आपको हमने आगे भेजा, तो बाबा आप ही करोगे, हम नहीं करेंगे, कौन जाएगा जी? आप ही करोगे। एक आज किसान का आंदोलन है, आप सुनो, मैं किसान के साथ एक विधायक भी हूँ आज, और मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, बात को समझने की कोशिश करो, या तो मैं आजादी दाय होता, आप आज सत्ता के साथ होते, एक मिनट में कल्ला मैं छोड़ देता, 2 सेकंड में, आज मैं कल्ला छोड़ भी नहीं सकता, एक बात समझो पहले, एक बात। दूसरी बात मैं कहने लग रहा हूँ, मेरा विश्वास कर लो, 11 आदमी लेके चल लेंगे, तारी संतुष्टि ना वह अस्थिपत्र हाथ में पहले देके चलूंगा, लेटर पकड़ा दियो पार्टी का, अपने सुप्रीमो ने दे दियो जाके दुष्यंत ने, मैं कह दूंगा जी मैं तो इनका भरोसा आया हूँ, जो अस्थिपत्र हाथ में, दुष्यंत जी मेरा तो फैसला ये लोग करेंगे, मेरे ढोल आप